यज्ञ चला बड़ी जोर से, बहुत आनंद के साथ यज्ञ हुआ। यज्ञ की पुड़ावती हो गई, पुड़ावती हुई उसके बाद में आचार्य ने संकल्प छोड़ा रावण ने अपने हाथ में, क्योंकि जब पूजा पूरी हो जाती है तो ब्राह्मण देव संकल्प छोड़ता है कि मैंने जो भी मंत्र बोले हैं पूजा कराई है इसका पूरा का पूरा फल जिजमान को मिले, ऐसा वो संकल्प छोड़ता है। तो रावण ने अपने दाहिने हाथ में जल लिया और भगवान सूर्य नारायण सामने प्रकृति के सानिध्य में हाथ में जल लेकर के कहता है कि मैंने जो यज्ञ कराया है, मैंने आहुतियां डलवाई हैं, मैं ये संकल्प करता हूं इस यज्ञ का पूरा फल मेरे यजमान को मिले, और जिस कामना के द्वारा उन्होंने यज्ञ किया है लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, तो मैं आशीर्वाद देता हूं अपने यजमान को कि वो लंका को जरूर जीते। कि रावण ने आशीर्वाद दिया, महात्मा कम्बन ने लिखा है, राम जी की आंख में आंसुओं के पनारे चल पड़े। भगवान राम ने कहा, आचार्य महोदय तुमने दिल जीत लिया, हृदय जीत लिया, मैं दक्षिणा क्या चुकाऊं, आप हमसे कोई दक्षिणा मांग लो। दक्षिणा की बात आई तब रावण फूट फूट कर रो पड़ा, रोने लगा और कहा, सरकार मैंने तो अपना काम कर दिया, आप अपना काम करना, यदि मैं इसके लायक हूं तो मुझे मांगे दे देना। भगवान मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो, मेरे साथ युद्ध करने के लिए और किसी को मत भेजना, मैं आपके बाण के द्वारा मौत की सैया पर सोना चाहता हूं। हे सरकार, ये नहीं है कि बाण मार करके आप बस चले जाएं, जिस समय मैं अंतिम श्वास छोड़ रहा हूं उस समय मेरे नेत्रों के सामने आप हो, मृत्यु के समय पर मुझे आपका दर्शन हो, इस यज्ञ की यही दक्षिणा मैं आपसे मांगता। महात्मा कम्बन ये प्रसंग लिखते हुए रो पड़े। भगवान ने हां भरी, भगवान ने ये कह दिया था आचार्य ऐसा ही होगा। यजन की यज्ञ की पुड़ावती हुई, सीता माई को रथ में, उस समय का धर्म क्या था, सीता माई को रथ में बिठाया गया। एक कथा तो ऐसी भी आती है कि रावण इतना बड़ा विद्वान था कि कहीं ये भी वर्णन है कि रावण अशोक वाटिका से मां को लेके आया नहीं था, उसने अग्नि देवता आवाहन करने में एक ऐसा मंत्र बोला, उस मंत्र के प्रभाव से अग्नि देवता सीता माई को लेकर के प्रकट वहां हुए थे। जब राम जी ने कहा था कि जानकी का तो हरण तुमने किया है, तो रावण ने कहा, मुझे पागल मत बनाओ, असली जानकी तो तुमने अग्निदेव के हवाले किया, ये तो तुम लीला कर रहे हो, और विश्वास नहीं तो देखो, उस समय रावण ने अग्नि का आह्वान किया, यज्ञ में अग्नि प्रकट हुई और अग्नि देवता माँ जानकी को लेकर के प्रकट हुए थे, और वो असली जो जानकी सीता माई थी वो राम जी के बगल में बैठी, यज्ञ संपन्न हुआ और अग्नि देवता पुनः सीता माई को लेकर के प्रकट अंतर्ध्यान हो गए। एक ये भी कथा महात्मा कम्बन ने ऐसे लिखते हैं। दशानन रावण ने वहां से प्रस्थान किया, भगवान की पूजा, भगवान का पूजा पाठ।